नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार भगवान, इतना और बता दीजिए कि भागवत को सुनने से कैसे कैसे लोग तर जाते हैं। ये मानवहा ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग कोदगे दगह कुटिलाश्च कामिनः सप्तः यज्ञेन कलो पुनन्तिते। नारद जी पूछते हैं कि भागवत से कौन कौन तर सकता है भैया, भागवत से कौन कौन तर सकता है? सनत कुमार भगवान कहते हैं, जो पापी है, जो नीच है, जो कामी है, दुराचारी है, दुरात्मा है, इतना ही नहीं, जिसने अपने पूरे जीवन में पाप ही पाप किया है, वह व्यक्ति भी भागवत से तर सकता है, ऐसे सनत कुमार भगवान कहते हैं। उसी संदर्भ में कथा आई तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक सुंदर उत्तम नाम का नगर था, और उस उत्तम नगर में और कोई नहीं, आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, जो कि आपकी हमारी भांति दिखता था। ब्राह्मण था तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण जैसे लगेगा। आत्मदेव के पास कोई पुत्र नहीं था, परंतु धन बहुत था, धन बहुत था, परंतु खर्च करने वाला कोई नहीं था। ये जीवन की बड़ी ही बीमारी हो जाती है कि धन तो है परंतु खर्च करने वाला नहीं, और खर्च करने वाला है तो धन नहीं। ऐसा हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता होगा। और जिसके पास धन भी है, पुत्र भी है, तो भैया उसका ना धन रहता ना उसका पुत्र रहता, दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब जब व्यक्ति, जब जब जीवात्मा, ये मन धन के संपर्क में आएगा, तो हमेशा इसका सर्वनाश होगा। तो मुख्य बात आती है कि आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी, संतान चाहता था। जब कोई संतान घर में नहीं देखी, तो एक तुलसी का पौधा लेकर आ गया। तुलसी का पौधा देखता है कि अगले दिन ही मुरझा गया। जो भी बाजार से फल लाता है, वह अगले दिन खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। आखिर कारण क्या है? आज आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव जी दौड़े 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 वन में चले गए कि अब मैं जो जिसका पुत्र नहीं है वह जीके क्या करेगा, जिसका पुत्र नहीं वह जीके क्या करेगा। आत्मदेव चले गए वन में, चिंतित होकर बैठे थे। एक महात्मा जी सामने से आ गए, और महात्मा जी सामने से आके कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, इस प्रकार दुखी क्यों हो? आत्मदेव ने उस साधु को, उस संत को बतलाया। क्या क्या बतलाया? कि हे संत जन, हे साधु, सुनिए, मेरा नाम आत्मा राम है, आत्मदेव मेरा नाम है। कहने का भाव इतना सा कि मेरे कोई संतान नहीं, इसलिए मैं यहाँ आत्महत्या करने आया हूँ। उस संत ने जैसे ही सुना कि आत्महत्या करने आए हो, तो संत ने समझाया, बुझाया कि देखो, ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। जो इस प्रकार तुम कष्ट पाओगे ना आत्महत्या करके, वही कष्ट तुम्हें मृत्यु के बाद प्रेत बनकर भी पाना ही पड़ेगा। इसलिए सन्यासी हो जाओ, भजन करो भजन। आत्मदेव नहीं माना, आत्मदेव नहीं माना। संत जी ने झोली से एक फल निकाला, वह फल आत्मदेव को दे दिया। जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र रत्न होगा। आत्मदेव दौड़ा दौड़ा आया। आत्मदेव की पत्नी जी का नाम क्या है, भार्या का नाम क्या है? धुंधली, जो नित्य प्रति कलह करती रहती है। हाँ, जो नित्य प्रति कलह करती रहती है, और जिसके मस्तिष्क में धुंधल छा गया है, उसी माता जी को धुंधली माता कहते हैं। अब मैं आपको तो नहीं कहता हूँ, आप अपने आप देख लीजिए। भाई इस बात की बुरा मत मान जाना, ये थोड़ा सा है ना, राधे राधे हो गई ना, चलो बुरा नहीं माना। तो मुख्य बात आती है कि धुंधली है, धुंधली को फल दिया कि इसको पालो, संत रूप में ही एक पुत्र प्राप्त होगा। उसने सोचा, अरे अगर गर्भवती हो गई तो बड़ा कष्ट होता है, मैंने सुना है बड़ा ही कष्ट होता है। सखियों ने समझाया, आज वह धुंधली समझती ही नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं समझी। और वह जो फल था किसको खिला दिया? गौ माता को खिला दिया। गौ माता ने गर्भधारण कर लिया। उसके बाद धुंधली की बहन आई घर, कहती है चिंता मत करो,
मैं भी गर्भ से हूँ, जो मेरा पुत्र होगा हे धुंधली मैं तुम्हें दे दूंगी, उसके जगह तुम मुझे धन दे देना। समय आया, धुंधली की बहन के घर पुत्र रत्न हुआ। वह पुत्र आज धुंधली अपने घर पे लेकर आई और कहती है कि हे पतिदेव, हे आत्मदेव, देखिए हमारे घर भी पुत्र रत्न उत्पन्न हो चुका है। आत्मदेव को पता ही नहीं था किसने क्या धोखा किया है, कि क्या चक्कर चलाया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ गौ माता ने भी एक सुंदर संत स्वरूप, परमात्मा स्वरूप एक पुत्र उत्पन्न करके दिया है। आज आत्मदेव की बड़ाई होने लगी, गांव में बड़ाई होने लगी कि आज तो महाराज गौ माता ने भी मनुष्य के समान तेजस्वी पुत्र दिया है आत्मदेव को, और आत्मदेव की पत्नी के गर्भ से भी एक पुत्र हुआ है। दोनों का नामकरण हुआ। गौ का जो पुत्र था उसके जो कान थे वह गौ के समान थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण हो गया। धुंधकारी कि माता का नाम क्या है? धुंधली। धुंधली देवी जी ने कहा, देखो ऐसा है आत्मदेव जी, मेरा पुत्र है, कष्ट मैंने सहा है, इसलिए अगर मेरा नाम धुंधली है ना तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गौकर्ण जी महापंडित हुए, धुंधकारी नीच पापी हुआ। छोटे छोटे बालकों को लेके जाता है और कुएं में धक्का मार के मार डालता है, ऐसा इसका चरित्र है। एक बार क्या हुआ, धन मांगा धुंधकारी ने किससे? अपने पिता से। नहीं दिया तो एक जोर की तमाचा मारने के लिए हाथ उठाया। आज आत्मदेव को पता लग गया कि उस समय अगर मैं संत की बात मानकर संन्यास ग्रहण कर लेता तो ये दुख मुझे देखना नहीं पड़ता। आत्मदेव जी गौकर्ण जी के कहने पर वन को चले गए, तपस्या की, भगवान को प्राप्त किया। यहाँ धुंधकारी अपनी माता से धन मांगता है, माता ने, धुंधली ने धन नहीं दिया तो आज अपनी ही माँ को, धुंधली को धुंधकारी खूब पीटता है, मारता है। वह माँ धुंधली कहीं भी मुंह दिखाने को नहीं बची। आज रात्रि में उसने कुएं में कूद कर अपनी आत्महत्या कर ली। गौकर्ण जी तीर्थ पे चले गए थे, यहाँ धुंधकारी पांच वैश्याओं के घर लेकर आया। क्या? पांच वैश्याओं को घर लेकर आया। वैश्याओं ने सोचा ये धुंधकारी पापी है, ये गलत गलत कर्म करता है, नीच कर्म करता है, क्या पता अगर राजा को पता लग गया कि ये धुंधकारी महाचोर है तो इस धुंधकारी के संग हम वैश्याओं को भी वह राजा महाराज कारागार में डाल देंगे। इसलिए वैश्याओं ने सोचा कि अब इस धुंधकारी को हम मार डालेंगे। रात का समय था, आज गरम गरम कोयला धुंधकारी के मुख में वह वैश्या डालती है। हाथ पैर बांध दिए थे पहले ही, धू धू करके रोता है, गिड़गड़ाता है। आज समझ आ गया धुंधकारी को, जिस स्त्री के पीछे, जिन वैश्याओं के पीछे मैंने पाप कर्म किए, चोरी की, उन्हीं वैश्याओं ने मुझे मार डाला। आज हाथ पैर बांध दिए, दुख भोगता है, मुख में खून सारा अग्नि के समान कोयले भर दिए। आज बड़े ही कष्टता के संग धुंधकारी ने अपने देह को छोड़ दिया, प्राणांत हो गया।